अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफियत से होंगे। मैं हूँ जनाब अशरफ और दूसरा चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसका नेम है अर्न थ्रू एनिमल्स। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको, अगर आपने बकरियाँ वगैरह पाली हुई हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी, मुफीद, फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। ठीक है, वीडियो का टॉपिक यह है, मैं आपको बताऊँगा, भाई से पूछूँगा कि भाई माशाल्लाह उनके पास 12 के करीब बकरियों के बच्चे हैं, वो गर्मी के सीज़न में उनकी केयर कैसे कर रहे हैं, उनकी डेली रूटीन क्या होती है, उनको खुराक क्या देते हैं और क्या क्या उनको खुराक के साथ वो चीज़ें देते हैं कि वो इनके बिल्कुल माशाल्लाह हेल्थी, एक्टिव और काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं। तो चले भाई से बात करते हैं। भैया मार दिए उन्हें। अच्छा, तो ये बेसिकली अशरफ गुज्जर साहब का इनके बकरियों का बच्चों का एक रेवर्ड है। ठीक है, तो मैं उनसे, उनका बेटा मेरे पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। की हाल है छोटे भाई? अच्छा सुफियान साहब बकरियां तो माशाल्लाह तुहाडे कोल किन्ने बच्चे हैं इस टाइम जी? ये बारह ने बारह बच्चे ने। ए बीतल भी ने, मिक्स भी ने, एनजी है जी? हां जी, मिक्स भी ने। वैसे थोड़े ही कर ठीक है, मिक्स भी इनके टैड़े नहीं, बीतल मिक्स है। ठीक है जी। अच्छा सुफियान साहब, दसो माशाल्लाह, तुसी पहला सब तो पहला दसो कि तुसी एक पिंजरा जहा बनाया हुआ है, ठीक है ना? ये क्यों बनाया? बच्चे बाहर में इनके वाड़े में मूव ना करें, जो वाड़े की जगह, ये सिर्फ अंदर ही रहें, इसके इनके पिंजरे के अंदर। और नीचे इन्होंने एक ना इनके कालीन टाइप बिछाया हुआ है, जिसका फायदा यह है कि ये मिट्टी वगैरह ना खाए। अच्छा सुफियान भाई, सारा दिन बच्चे इस केज दे विच तां नहीं रहंदे होने? नहीं। इनके इन्होंने तुसी फिरन तुरन दा टाइम भी दिंदे? डेढ़ घंटा जो बकरियां आ तो डेढ़ घंटा पहले ना बच्चे छड़ दे दा, वे तोर करके हजम हो जांदा बाबा। ठीक है, एक्टिव हो जांदे। ठीक है सर। अच्छा सुफियान साहब, माशाल्लाह दुध तुसी बच्चियां नूं किन्ने टाइम पिलांदे दिन च? दुध सुबह ते शाम दो टाइम पिलांदे? सुबह ते शाम किन्ना को पिलांदे? जिन्नी अपनी मर्जी होवे या कोई हिसाब किताब हैगा वा? बच्चे पिलाने तो बाद बच्चे केज बंद कर देंगे? ਨਹੀਂ ਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੱਛਰ ਲੜ ਜਾਂਦੀ ਮੱਛਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਵਿੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਈਦੀ ਅੱਛਾ ਲਵਿੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈ ਵਾਟਰ ਦੇਈਦਾ ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਚ ਗ੍ਰਾਈ ਵਾਟਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਧ ਪਲਾਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੁੱਧ ਪਲਾਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੇਈਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਈ ਵਾਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਗ੍ਰਾਈ ਵਾਟਰ ਹਾਂਜੀ ਘੰਟਾ ਕੁ ਫਿਰ ਫਿਰਨ ਦੇਈਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਤਾੜ ਦੇ ਅੱਛਾ तो ये कह रहे हैं कि गाय वाटर देने के बाद बच्चों को ना एक घंटे के लिए खुला छोड़ देते हैं, तो वो एक घंटा मीन के खेलते हैं वगैरह, मीन के खेल कूद करते हैं, उसके बाद ये उनको दोबारा इस केज में बंद कर देते हैं। गुड हो गया सुफियान भाई। सुफियान भाई, केज बंद करने तो बाद सुबह बच्चों को तुसी किन्ने बजे दूध पिलांदे जी? सुबह जी 6 बजे नमाज पढ़ के मीन के दस्त वगैरह करके पिलांदे जी? हाँ जी हाँ जी। ठीक हो गया, 6 बजे फिर वही रूटीन सेम जिन्ना दूध पी लैन उन्ना पिलांदे? गुड हो गया सर। अच्छा जी, दुध तुसी पिलाता, ग्राई वाटर भी दिंदे, ग्राई वाटर तो अलावा कोई शरबत वगैरह कभी तुसी दिंदे? बुखार हो जांदा किसी बच्चे नु कि हो देईदा फिर की मीन के किंज लेके आंदे शरबत? तुसी शरबत अब्बू लेके आंदा है पिछो स्टोर तो। ठीक है जी, वो फिर देईदा। ठीक, बुखार वाले होंदे ने, कोई दर्द वाले भी होंदे ने, बच्चियां दे दर्द होंदी पेट च। ठीक है जी, वो भी देईदे ने। ए शरबत तुसी किन्ने के दिन कड के दिंदे जी? मीन के रोजाना बेसिस ते दिंदे जी या फिर 2-3 दिन दा नागा करके दिंदे जी? 2 दिन बाद जी। ठीक हो गया, रेगुलरली ग्राई वाटर दिंदे जी? शरबत 2-3 दिन दा नागा करके भी दिंदे जी? गुड हो गया सुफियान भाई। ठीक है सुफियान भाई, माशाल्लाह ठीक है, अच्छी रूटीन चल रही है। पैटा में इन्होंने पट्ठे वगैरह भी रख दिए हैं। अच्छा, दोपहर के मीन के टाइम कह रहे हैं कि इनको ना ये चारा वगैरह भी डालते हैं। अच्छा, हजे इन्हां दी उम्र तो सिर्फ 1 महीने तो थल्ले है, ये खांदे तो नहीं होने चारा?
थोड़ा बहुत मूह मारते ने खाते ने थोड़ा बहुत मीन के खाते होने आस्ते आस्ते आदत पाईगी ठीक है जी। अच्छा जी इस टाइम बच्चे के जिसम गिले ने नजर आ रहे सानू दो तो तीन का टाइम दिन दे इस टाइम बच्चों के जिसम से की लाया जी इस टाइम मक्खियां बहदी होनी पिछू वाले च हो जाते हैं पिछों मारन वाली दवाई लाई हो जाए ठीक है। दवाई सर तुसी कित्थों लैके आंदे जी दवाई भी अबू स्टोर तो लैके आंदा पिछों ठीक है। गोबर वगैरह तां दवाईयां दिंदी ओ भी दिंदी जी ठीक हो गया सर गवर्नमेंट भी तुहाडी सपोर्ट करदी है। अच्छा सुफियान भाई ए शरबत वगैरह पए होए ने हां जी ए शरबत बच्चों नूं तुसी दिंदे जी ठीक हो गया सर तो मैं जी ट्राई अच्छा जी इन्हां नूं तुसी मिक्स कर दे जी कोई बच्चे फीडर का दुध पिलांदे तुसी के नहीं अच्छा जो अमीक तो ये कह रहे हैं जो बच्चा छोटा होता है ना जो कमजोर होता उसे ये फीडर वगैरह पे लगाते हैं ठीक है। इन्हें फीडर ते लांदे जी ए टैडी बीतल है टैडी मिक्स बीतल है ठीक हो गया अच्छी क्वालिटी तरफ आ रहे सर तुसी ठीक है जी गुड हो गया। अच्छा सुफियान भाई होर कोई चीज जड़ी तुसी करदे हो जानवर बच्चियां दे नाल वो भी दसो जरा इस तो इलावा मीन के जी जो एक ता पिंजरे बार जे जो मिट्टी या कपड़े वगैरह खान ते वो आ गई फक्की च है गई वो दे दी जी पिछो जाई जी अच्छा वो भी तुसी स्टोर तो लेके आंदे हां जी इत्थे अपने कोल हुंदा कोई हैगा जी उधर अंदर पिया जी ठीक है गुड हो गया सर ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਸੁਫੀਆਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਾਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਦੀ 'ਚ? ਸਰਦੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਦੀ 'ਚ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਦੀ 'ਚ ਆਸਾਨ ਗਰਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ? ਗਰਮੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਨਸ਼ੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦੀ 'ਚ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ पाले ने आप पाले ने कले ने पाले जी ठीक है जी। अच्छा तीन भाई रल के पाल दे जी ठीक है साफ सफाई हर किस्म दी ए केज जेड़ा पिंजरा है ए किदो किन्ने दिन बाद साफ कर दे तुसी ए हर रोज साफ कर दे माशाल्लाह जी ठीक हो गया गुड हो गया सर। तो चलो गाइस वीडियो एंड करते हैं उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। छोटा भाई था काम उसने अच्छा किया ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी है हमें तो फिर भी अपना एक दफा चलो रहने दो कोई मसला नहीं ब्रीडर बैठा हुआ अगली वीडियो दिखा देंगे। तो चलो गाइस वीडियो एंड करते हैं उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी बहुत ही अच्छी थी और मुझे भी मजा आया सिर्फ अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं काफी दोस्तों का शायद फायदा भी होगा इंशाल्लाह। तो चलो वीडियो एंड करते हैं सर बहुत शुक्रिया सर।